शिवपुरी जिले के अमोला के पास झांसी फोरलेन मार्ग पर शनिवार की सुबह एक मजदूरों से भरे ट्रक में पीछे से आ रहे एक दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में ट्रक में बैठे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को शिवपुरी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में बैठे लोग महाराष्ट्र से लौटे थे और उत्तर प्रदेश के बहराइच जा रहे थे। महाराष्ट्र से लगभग 83 लोग ट्रक में सवार हुए थे, तभी मध्य प्रदेश के शिवपुरी से निकले झांसी फोरलेन मार्ग पर अमोला घाटी के निकट इनके ट्रक को एक दूसरे टक्कर ने पीछे से टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि इन मजदूरों ने इस ट्रक चालक को 3500 रुपए अपने गृह पहुंचने के दिए थे। अभी जो है हादसा हुआ है अमोला पर आपका, उसमें आप गाड़ी में आप सवार थे? हाँ। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? 83 लोग। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे भिंगासरा बस्ती जा रहे थे। भिंगासरा बस्ती ये कहाँ पड़ता है? भिंगासरा बस्ती जिला है, वहाँ पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? बहराइच से आगे है सर। बहराइच से आगे है? आगे है। अच्छा, कितना किराया दिया था आपने ट्रक वाले? 3500 रुपए। सभी सवारियों ने 3500 रुपए दिया था? एक एक को 3500 रुपए लिया था। अभी कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें 8-10 लोग घायल हैं। शिवपुरी से EMS TV के लिए रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट।